हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन। और आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो नंबर लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने लिया है 32 × 22। ये दो नंबर है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम लाइन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लाइन फॉर्म में सबसे पहले 32 को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक दो तीन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर कुछ गैप देने के बाद एक दो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 22 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले नीचे ड्रॉ करेंगे दो लाइन, एक दो, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद कुछ गैप देने के बाद दो लाइन और ड्रॉ करेंगे, एक दो। अब हमें देखना है कि हर कॉर्नर पर कितने लाइन्स कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन चार, चार टाइम, फोर टाइम्स लाइन कट कर रही है। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर सिक्स टाइम्स लाइन कट कर रही हैं। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर भी सिक्स टाइम्स लाइन कट कर रही हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी फोर टाइम्स लाइन कट कर रही हैं। अब हम इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो काउंट करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम डायगोनली एक दो, यहाँ पर टॉप टू बॉटम लाइन को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉर्नर पे देखेंगे, तो इस कॉर्नर पे चार बार लाइन कट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे फोर, और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, यहाँ पर सिक्स टाइम्स, यहाँ पर फोर टाइम्स लाइन कट कर रही हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर 10 आएगा। तो 10 हम लिखेंगे नहीं, हम केवल 0 लिखेंगे और 10 का 1 आगे कैरी दे देंगे। तो यहाँ पर 6 + 1 इसका कैरी, तो 6 + 1 7। तो हमारे पास आंसर है 704, जो कि इसका वैल्यू है। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमने ले लिया 23 × 33, ये दो मल्टीप्लिकेशन जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हम इसे भी लाइन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 22 को चेंज करेंगे, तो एक दो, दो बार लाइन को चेंज ड्रॉ किया, फिर एक दो तीन, कुछ गैप देने के बाद तीन बार लाइन ड्रॉ किया। अब 33 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, 33 के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक दो, तीन बार लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर कुछ गैप देने के बाद एक दो तीन, यहाँ पर तीन बार लाइन ड्रॉ किया। तो अब हमें काउंट करना है कि कितने बार लाइंस कट हुई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इधर से काउंट करेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ इस कॉर्नर पे 9 बार लाइंस कट की हैं। यहाँ पर देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर देखेंगे तो 6 टाइम्स लाइन कट की हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 टाइम्स लाइन कट की हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पर भी 9 टाइम्स लाइंस कट की हैं। अब हम यहाँ पर डायगोनली काउंट करेंगे, डायगोनली टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो डायगोनली टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, सबसे टॉप पे डायगोनली टॉप पे आया है 9। फिर उसके थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर 6 टाइम लाइन कट की है, यहाँ पर 9 टाइम्स लाइन कट की है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल आएगा 15। तो 15 लिखेंगे नहीं, 15 का केवल 5 लिखेंगे और 1 आगे कैरी दे देंगे। तो जब आगे कैरी दे देंगे तो 6 + 1 हो जाएगा, तो यानी टोटल आ जाएगा 7। तो हमारे पास आया है 759, तो जो इसका वैल्यू है। तो